जिला गाजियाबाद के कौसाम्बी पुलिस को कामयाबी मिली। गाजियाबाद पुलिस ने पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया। यूपी गेट पर दो युवक फर्जी पुलिसकर्मी बनकर वाहनों को अपना निशाना बनाते थे। गोपनीय सूचना के बाद इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इन दोनों युवकों के पास उत्तर प्रदेश पुलिस के फर्जी आई कार्ड बरामद किए। साथ ही साथ पुलिस का स्टिकर लगी बाइक भी बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक दोनों युवकों को फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर वाहनों को अपना निशाना बनाते थे। तो एक सूचना दी गई कि कुछ लोग यूपी गेट के पास में वाहनों को रोक करके फर्जी पुलिस वालों के आईडी दिखा करके अवैध वसूली करते हैं सारे वस्तु में। इसकी जांच मुझे सौंपी गई और जांच में कुछ तथ्य प्रकाश में आए। इसी परिप्रेक्ष्य में एक प्रिंस शर्मा नामक युवक ने थाना कौशाम्बी पर एक मुकदमा पंजीकृत कराया। इस विवेचना के दौरान कल दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीने से ये इसी क्षेत्र में यूपी के चौकी क्षेत्र में संगठित रूप से इस तरीके का अपराध कार्य कर रहे हैं जिसमें तीन लोग शामिल हैं। दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पूरा गैंग था और गैंग के पास से बरामदगी हुई है। इनका ये पूरा गैंग है तीन लोगों का जिसमें दो अभियुक्त गिरफ्तार हैं और एक राजू नाम का व्यक्ति है जो प्रकाश में आया है। इनके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है जिसपे पुलिस का स्टिकर भी लगा हुआ है और इनके पास से फर्जी आई कार्ड भी मिले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के नाम से। किस प्रकार के वाहनों को ये अपना टारगेट बनाते हैं? देखिए यूपी गेट से जो भी आने जाने वाले वाहन हैं जिसमें बसें हैं, ट्रक है और प्राइवेट वाहन जो भी निजी वाहन होते हैं छोटे, उनको भी रोक करके ये चेकिंग के नाम पर उनसे अवैध वसूली करते हैं। जिस तरीके से ये अपने आप को पुलिस वाला बताकर अवैध वसूली करते थे, क्या ये पुलिस की वर्दी का भी इस्तेमाल करते थे? नहीं, ये पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल नहीं करते थे, ये प्राइवेट में ही रहते थे।